हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। गांधी जी की जो ग्रेट ग्रैंड डॉटर हैं, जिनका नाम है बेसिकली आशीष लता रामगोबिन, इनको दक्षिण अफ्रीका में 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। ये सारा केस हम डिस्कस करेंगे, साथ में गांधी जी का जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन को। तो पहली बात तो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स दिखाया भी है, महात्मा गांधी जी के जो ग्रेट ग्रैंड डॉटर हैं इनको बेसिकली 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। केस क्या है? एक फ्रॉड केस है। इसके अलावा बहुत सारे न्यूज़पेपर ने और भी दिखाया, हिंदुस्तान टाइम्स में दिखाया हुआ है कि हाँ, आशीष लता रामगोबिन है, इनको बेसिकली 6 मिलियन रैंड का एक फ्रॉड केस के अंतर्गत इन्हें 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। वेल देखिए, रैंड देखा जाए तो ये साउथ अफ्रीका की करेंसी का नाम है। वेल देखिए, आपको दिखाता हूँ मैं, लेकिन उससे पहले आप जान लें कि साउथ अफ्रीका का लोकेशन क्या है। ये है हमारा इंडिया, और यदि हम इसको थोड़ा सा रिलोकेट करें तो ये अरेबियन पेनिनसुला है, आप देख सकते हैं। इसके बाद ये अफ्रीका का रीजन है, अफ्रीका महाद्वीप है। इसमें ये नीचे साउथ अफ्रीका का रीजन आपको दिख रहा होगा, ये देखिए साउथ अफ्रीका का रीजन, जस्ट वन सेकेंड, ये है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के बीचों बीच में कंट्री है, इसका नाम है लेसोथो, और यहीं पर स्वातिनी भी है। एनीवे, हम इसके बाद यदि हम देखें तो यदि आप देखें तो यहाँ पर आशीष लता रामगोबिन जो है इनको 6 मिलियन रैंड, मतलब कह सकते हैं 6 मिलियन का मतलब है 60 लाख रैंड की फोर्जरी केस लगी थी, फ्रॉड केस लगी थी, जिसके अंतर्गत इन्हें 7 साल की सजा डर्बन कोर्ट के द्वारा सुनाई गई है। अब देखिए रैंड कितना होता है, आपको पता होना चाहिए। एक साउथ अफ्रीकन जो रैंड होता है वो लगभग 5.5 रुपए के बराबर होता है। देखिए 5.5 नहीं, 5.38 रुपए के बराबर होता है। हालांकि इसमें अप डाउन होता रहता है, लेकिन 5.38 रुपए का होता है। मतलब यदि आप इसको रुपए में कन्वर्ट करें 60 लाख रैंड को, तो ये करोड़ों का अमाउंट हो जाता है ना। अब इसमें यदि हम देखें तो यहाँ पे मामला क्या था, मामला था, पहले जान लेते हैं लता रामगोबिन है क्या। लता रामगोबिन की बात करें, ये बेसिकली नोटेड राइट एक्टिविस्ट हैं, जिनका नाम है इला गांधी और मेवा रामगोबिन, इनकी बेटी हैं। बेसिकली इला गांधी का नाम आपने खूब सुना होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं, वेल नोन एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारी जगह इनको इन्वाइट भी किया था। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा यहाँ पे प्रॉपर जगह सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉक्स में इनको इन्वाइट किया गया था IIT इंदौर में, तो इसलिए एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन इनकी जो बेटी हैं, इनका नाम है लता रामगोबिन, इनके ऊपर अभी हाल ही में फोर्जरी केस लगा है, और डर्बन की जो स्पेशल कॉमर्शियल क्राइम कोर्ट है, इन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई है। वेल देखिए, मामला याद है कि ये था कि इन्होंने डिफ्रॉड किया था एक बिजनेसमैन को, जिनका नाम है SR महाराज। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी पिक्चर को, SR महाराज, जिनको प्रॉपर तरीके से इनके ऊपर 6.2 मिलियन रैंड का इन्हें फोर्जरी केस लगाया गया था कि यहाँ पर इनके साथ चीटिंग की थी। अब चीटिंग का मामला क्या है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि हाँ, एक कंसाइनमेंट को अप्रूव करने की बात यही थी और उसे प्रॉफिट शेयर करने की बात यही थी, लेकिन बेसिकली बाद में पता चला कि वो बेसिकली फेक है, एक फ्रॉड है। मामला देखिए यहाँ पर ये था कि यहाँ लता रामगोबिन जो कि डॉटर हैं इला गांधी की, इनके ऊपर एक ट्रायल लगा। हालांकि ये ट्रायल आज का नहीं है, 2015 से स्टार्ट किया गया था ये ट्रायल, और जब वहाँ पे ट्रायल स्टार्ट किया गया था तो वहाँ पे ये था कि इनके ऊपर एक फेक इनवाइस क्रिएट करने का चार्ज था। इनवाइस का मतलब ये है कि समझिए कि आप किसी के साथ एक डीलिंग कर रहे हैं और उसकी एक फर्जी आप प्रेसिट बना लें, और वो डॉक्यूमेंट जो बना लें वो कन्विंस करने के लिए कि हाँ, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं आपके, उनको कन्विंस करने के लिए बनाया गया। वेल देखिए, यहाँ पर एक लाइन इन के कंटेनर्स लाने थे, और इसके लिए इन्होंने प्रॉपर फेक इन्वाइस बनवा लिया, और इसके चलते वो फेक इन्वाइस बना के उन्होंने SR महाराज से 6.2 मिलियन रैंड, ये प्रकार समझिए कि इन्वेस्टमेंट करा लिया। अब देखा जाए तो यहाँ पे मामला ये इसके बाद तब बढ़ जाता है। हालांकि यदि हम बात करें इसमें SR महाराज की, तो SR महाराज बेसिकली डायरेक्टर थे न्यू अफ्रीका एलायंस फुटवियर डिस्ट्रीब्यूशन के, और इनकी बात करें तो ये इनकी कंपनी जो है बेसिकली इंपोर्ट है, मैन्युफैक्चर है, क्लॉथ की लिनन है, फुटवियर है, इनकी बेसिकली काम करती है, इंपोर्ट या मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। तो महाराज की कंपनी ने क्या फाइनेंस प्रोवाइड किया, किसको, लता रामगोबिन को, कि हाँ चलो ठीक है, प्रॉफिट में जो शेयर होगा वो हमें मिल जाएगा, तो इसके चलते इन्होंने ये किया। अब इसके चलते देखा तो यहाँ पर इन्होंने एक साउथ अफ्रीकन हॉस्पिटल ग्रुप नेट केयर है, उसका बेसिकली फर्जी इनवाइस, फेक इनवाइस इन्होंने तैयार किया, और यहाँ पे इनको SR महाराज को दिखा दिया कि हाँ ये वहाँ का इनवाइस है। बाद में पता चला कि बेसिकली ऐसा कुछ डील हुआ ही नहीं प्रॉपर तरीके से। इनको कन्विंस करने के लिए उन्होंने वही फेक रिसिप्ट वगैरह सब दिखा दिया, जैसे कि
हालांकि काफ़ी गलत है कि इस तरह से डिलीवरी नोट फेक इनवाइस आप क्रिएट करके दिखा देते हो, दिस इज़ हाईली अनफॉर्चुनेट। और उसके बाद देखा जाए तो यहाँ लता राम गोविंद के ऊपर केस स्टार्ट हो गया, और लता राम गोविंद के बाद जब केस स्टार्ट हुआ 2015 में, तो ये केस काफ़ी लंबे तक चला, 2021 आज चल रहा है, और इस दौरान फाइनली डिसाइड किया गया कि इन्हें 7 साल की सज़ा दी जाएगी। यदि हम बात करें गांधी जी की, बात करें गांधी जी का नाम कितना बड़ा नाम है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साउथ अफ्रीका में गांधी जी 21 साल रहे। साउथ अफ्रीका में ये पहली बार जब गए थे, वो गए थे 1893 में, वहाँ पर बेसिकली एक मर्चेंट थे जिनका नाम है दादा अब्दुल्ला, इनको बेसिकली लीगल एडवाइस, लीगल काउंसिल बन के गए थे यहाँ पर इनको सपोर्ट करने के लिए, और बाद में वहाँ 21 ईयर्स रहे, 1893 से लेके यहाँ पर इनका एक लंबा टर्म रहा 1893 से लेकर 1915 तक, 1915 में भारत में आए और फिर भारत में सत्याग्रह आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। तो ये इतना लंबा कंट्रीब्यूशन है गांधी जी का, चाहे साउथ अफ्रीका हो चाहे इंडिया हो, लेकिन इतने महान पर्सनालिटी की यदि हम बात करें, ग्रेट ग्रैंड डॉटर की बात करें, उनके द्वारा किया गया ये जो अपराध है ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। ऐसे अपराध करने से वाकई बचना चाहिए था, बट एनी वे थिंग हैपेंड। तो ये रहा हमारा डिस्कशन, आपके जो ओपिनियन है आप नीचे ज़रूर शेयर करके कमेंट कर सकते हैं, आपको किसके बारे में क्या लगता है, क्या इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पर इनके सपोर्ट के लिए कोई स्टेप लेना चाहिए राम गोविंद के सपोर्ट करने के लिए, आप इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो हमारा जो ये चैनल है यहाँ पर मध्य प्रदेश PSC या बाकी PSC की तैयारी करवाई जाती है, तो आप उनके बैच कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में हमारा एक ग्रुप है टेलीग्राम में लर्न सर्विसेज, यहाँ पर हमारी लाइव क्लासेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की जाती हैं, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं या हमारी लिंक से शेयर की जाती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सुबह 7 बजे हमारी क्लास होती है मध्य प्रदेश पे लाइव, और शाम को 7 बजे एक लाइव क्लास होती है जिसमें मध्य प्रदेश के अलावा जो बाकी पोर्शन है जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट पे, उसमें से किसी एक टॉपिक पे यहाँ पर लाइव सेशन होता है, तो आप उससे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई एम श्योर इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। चलिए मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगले डिस्कशन में, तब तक ले बाय एंड टेक केयर।